Okay, welcome back. So let us continue with the chapter of civics that we were doing. Now we come to the powers and functions of the Rajya Sabha. देखो, कोई भी बिल, बिल मतलब होता है कोई कानून का प्रस्ताव. कोई भी बिल, जब हम कोई नया कानून बनाना चाहे, जब सरकार कोई नया कानून बनाना चाहे, वो प्रस्ताव को कहते हैं बिल. तो कोई भी बिल सरकार या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, कोई भी एक हाउस में सरकार किसी बिल का, किसी कानून का प्रस्ताव को ला सकता है. वो लोकसभा में भी पहले ला सकता है या वो राज्यसभा में भी ला सकता है. लेकिन कोई भी मनी बिल, मनी बिल मतलब सरकार का खर्चे के संबंधित कोई कानून, जैसे बजट, जो सालाना बजट होती है, ऐसा कोई बिल राज्यसभा में पहले लाया नहीं जा सकता. तो कोई मनी बिल के अलावा बाकी कोई बिल, यानी कि कानून की प्रस्ताव, पहले लोकसभा में भी लाया जा सकता है और इट कैन ओरिजिनेट इन द राज्यसभा, या राज्यसभा में भी लाया जा सकता है. देखो, कोई मनी बिल मतलब सरकार के खर्चे के संबंधित कोई कानून या कोई बिल, ये हमेशा पहले राज्य लोकसभा में ही लाना पड़ता है. लोकसभा के द्वारा वो बिल पास होने के बाद फिर वो राज्यसभा में आता है, लेकिन राज्यसभा उस बिल के बारे में सिर्फ चर्चा कर सकता है और उस बिल के ऊपर वो अपना कुछ रिकमेंडेशन, कोई सुझाव, कोई टिप्पणी दे सकता है. लेकिन उस बिल को राज्यसभा पास करे या ना करे, इसके ऊपर मनी बिल का पास होना डिपेंड नहीं करता. अगर राज्यसभा में, लोकसभा में पास होने के बाद कोई मनी बिल राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा को उस बिल को अपने टिप्पणी सहित, अपने रिकमेंडेशंस, सुझाव सहित 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा में भेजना पड़ेगा, वापस भेजना है. अगर राज्यसभा नहीं भेजता है तो ये माना, मान लिया जाता है कि राज्यसभा उस बिल को सम्मति दिया है. तो देखो, दूसरे कोई बिल, मनी बिल के अलावा दूसरा कोई बिल, दूसरा कोई कानून की प्रस्ताव कानून बनने के पहले वो लोकसभा में भी पास होना चाहिए और राज्यसभा में भी पास होना चाहिए. लेकिन रही मनी बिल की सवाल, वो सिर्फ लोकसभा में पास होना काफी है. मनी बिल के बारे में राज्यसभा सिर्फ सुझाव दे सकता है, इसके अलावा राज्यसभा की और कोई रोल, ये एडवाइजरी रोल, एडवाइस देने के अलावा मनी बिल के बारे में राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता. देखो, अब हम लोग आते हैं अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, सही तरह से सुनो और समझो. देखो, मैंने कहा था कि 1947 से लेकर 49 के बीच में हमने हमारा संविधान रचा था. उस संविधान में बहुत सारे कानून थे, लेकिन 1949 से लेकर 2021 तक, ये जो समय है, इस समय में भी बहुत सारे नए कानून बनकर संविधान का हिस्सा बना है. ठीक है, तो एक मैं तुमको, आई विल ट्राई टू गिव यू अ नंबर, एक मिनट है, जस्ट वन मिनट. देखो, हमारी संविधान जब बनी थी, जब ओरिजिनल हमारा संविधान बना था, तो उसमें, जस्ट अ मिनट, जस्ट वन मिनट. देखो, हमारा जो ओरिजिनल संविधान बना था, उस संविधान में जितने एक्ट्स थे, अर्थात जितने कानून थे, ठीक है, उस वो उसके बाद भी जो हमारे 70-75 साल की आजादी हुई है, उस आजादी के दौरान, उस समय के दौरान कई सारे नए कानून बनकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ा गया है. ठीक है, तो देखो, हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो कानून थे, उस कानून को अगर बदलना है, वैसे कोई कानून को अगर बदलना है, तो उसको कहते हैं अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहता है, कोई प्रस्ताव अगर लाया जाए
कि कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल कानूनों को बदलने के लिए अगर कोई प्रस्ताव लाया जाए, वो प्रस्ताव पहले हम लोकसभा में भी ला सकते हैं, चाहे तो राज्यसभा में भी ला सकते हैं, लेकिन वो परिवर्तन होने का पहले, चेंज होने के पहले, वो प्रस्ताव, वो बिल लोकसभा में भी पास होना पड़ेगा, राज्यसभा में भी पास होना पड़ेगा। बोथ द हाउसेस शुड पास इट। देखो, इसके अलावा राज्यसभा के कुछ स्पेशल पावर्स है। देखो, राज्यसभा के जो मेंबर्स है वो स्टेट से, वो राज्यों से चुनकर आते हैं, इसीलिए उनका कुछ स्पेशल पावर्स है जो पावर्स लोकसभा को दिया नहीं गया है। जैसे देखो, मनी बिल के बारे में लोकसभा का स्पेशल पावर है कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही आता है पहले, और उसको लोकसभा का पास करना काफी है। मनी बिल के बारे में राज्यसभा सिर्फ सलाह दे सकता है, लेकिन इसके अलावा उनका कोई पावर नहीं है। उसी तरह से हमारी संविधान ने राज्यसभा को भी कुछ स्पेशल पावर दिया है। देखो ये क्या है, मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूं। देखो, जैसा कि मैंने बोला कि हमारे देश में टू टायर्स गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमारे राज्यों में अलग अलग सरकार है। तो जितने गवर्नमेंट के पावर्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या है, क्या किया है, सरकार के जितने पावर्स है उनको तीन लिस्ट में बांटा है। वन इज यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज स्टेट लिस्ट, थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, देखो, स्टेट यूनियन लिस्ट के अंदर में जो पावर्स है, जैसे एटॉमिक पावर, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सारे जो पावर है ये यूनियन लिस्ट के अंदर है। यूनियन लिस्ट के अंदर जो पावर है उसके बारे में कानून सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकता है। देखो, स्टेट लिस्ट में जो विषय है, जैसे एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, पुलिस, ये सारे विषय के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो विषय है जिन विषयों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एडुकेशन, जैसे एडुकेशन। तो अगर देखो, कभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि कोई विषय जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, देश के हित के लिए ऐसा कोई विषय के ऊपर हमें कानून बनाना पड़ेगा, अगर ऐसा कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे, तब वो सिद्धांत सिर्फ लोकसभा ही पास कर सकता है। देखो, सॉरी गलत बोला मैंने, राज्यसभा, सिर्फ राज्यसभा ही सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है लेकिन जनहित में या देश के हित में आप उसके बारे में कानून बना सकते हो। सो दिस इज अ स्पेशल पावर विच द राज्यसभा हैज। ठीक है, नाउ सी, अगर हम सामूहिक तौर पर इन टोटैलिटी अगर हम यूनियन पार्लियामेंट की पावर्स की बात करें, तो देखो यूनियन पार्लियामेंट के क्या क्या पावर होती है। सबसे पहला पावर क्या है, लेजिस्लेटिव पावर, मतलब कानून बनाने का पावर, द पावर टू मेक लॉज। तो जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले बोला, यूनियन लिस्ट के अंदर या कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो जो विषय इंक्लूडेड है, जो जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, उनके ऊपर यूनियन पार्लियामेंट क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। और देश में अगर कभी इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए, इफ देयर इज एन इमरजेंसी इन द कंट्री, ये इमरजेंसी का मतलब क्या है, ये आने वाले चैप्टर्स में यू विल अंडरस्टैंड, उसमें डिटेल में डिस्कशन होगा। अगर देश में इमरजेंसी का डिक्लेयर हो चुका हो, तब यूनियन पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में जो विषय है उसके ऊपर भी कानून बना सकता है। अब देखो, जब पार्लियामेंट का मीटिंग नहीं चल रहा है, कानून कब बनेगा, पार्लियामेंट कानून कब बनाएगा, जब उनका मीटिंग चल रहा है। अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर टाइम में पार्लियामेंट का मीटिंग नहीं चल रहा है, लेकिन केंद्रीय सरकार को लगता है कि एक कानून जरूरी तौर पे लाना है,
तो केंद्रीय सरकार क्या करता है, वो कानून लाता है और प्रेसिडेंट उस कानून को साइन करता है और वो कानून बनता है। तो बिना पार्लियामेंट का पास किया हुआ इस तरह से जो कानून बनते हैं वो कानून, उन कानूनों को ऑर्डिनेंस कहते हैं। ये कानून परमानेंट नहीं होते, क्योंकि ऑर्डिनेंस, कोई ऑर्डिनेंस लागू होने के बाद में जब फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट मिलता है तब वो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में पेश करना पड़ता है, और तब अगर वो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में पास हो जाए तब जाके वो कानून बन सकता है, नहीं तो वो ऑर्डिनेंस तब तक ही जारी रहता है जब तक पार्लियामेंट बैठता है। अब देखो, मनी बिल मतलब सरकार के खर्च के संबंध में, सरकार का स्पेंडिंग के संबंध में कोई भी मॉनिटरी विषय में कोई बिल, ये सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। लोकसभा उस बिल को ग्रहण कर सकता है, लोकसभा इस बिल को टुकड़ा सकता है, लोकसभा उस बिल को कुछ भी कर सकता है। लेकिन राज्यसभा मॉनिटरी बिल के बारे में राज्यसभा सिर्फ सुझाव देती है। तो इसीलिए सरकार का जो सालाना बजट होती है, यूनियन बजट, ये सरकार हमेशा लोकसभा में पेश करती है। लोकसभा पास करता है तो बजट पास हो जाता है, बाद में वो बजट राज्यसभा में सिर्फ चर्चा के लिए जाता है। राज्यसभा उस बजट के बारे में सिर्फ सुझाव दे सकता है, राज्यसभा उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकता है। इसके बाद देखो, मैंने थोड़ा देर पहले बोला था, एकदम पहला वाला वीडियो में, ये वाला जो पॉइंट है, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है? लोकसभा का इलेक्शन के बाद जो पार्टी का मेजॉरिटी होता है लोकसभा में, मेजॉरिटी मतलब देखो, लोकसभा में मेजॉरिटी पाने के लिए कम से कम तुम्हारे पार्टी की 772 लोगों को लोकसभा में चुन के आना पड़ेगा। कोई पार्टी का 772 मेंबर चुन के आएगा, क्योंकि लोकसभा का टोटल सीट है 543 चुने हुए लोग, तो बाकी ऑब्वियसली ऑपोजिशन पार्टी 271 हो जाएगा, तो इस पार्टी को मेजॉरिटी मिल जाएगा। तो कोई भी पार्टी अगर 272 या उसके ऊपर का सीट अगर लोकसभा इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद लोकसभा में पास करे, तब प्रेसिडेंट उस पार्टी के जो लीडर है उनको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए न्योता देते हैं, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो क्या करते हैं, वो अपने पार्टी के दूसरे जो मेंबर्स लोकसभा में चुन के आए हैं या उनके पार्टी के जो मेंबर्स राज्यसभा के सदस्य हैं उनमें से वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तब तक पावर में रहता है जब तक लोकसभा के मेजॉरिटी मेंबर्स उनको समर्थन देता है। अगर लोकसभा में वो मेजॉरिटी मतलब कम से कम 272 लोगों का समर्थन अगर वो खो देगा तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। तो देखो, इस तरह से हमारे जो पार्लियामेंट है यानी कि लोकसभा जो है वो एग्जीक्यूटिव को यानी कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करता है। मैंने पहले ही बोला अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लिखा गया था, तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो कानून थे, जो आर्टिकल्स थे, उनमें कुछ अगर परिवर्तन करना है उसको कहा जाता है अमेंडमेंट। देखो, अमेंडमेंट करना एक बहुत ही दिक्कत की काम है। देखो, आज अगर हम कोई सरकार कोई नया कानून लाना चाहे तो सिंपल मेजॉरिटी से अगर वो कानून पास हो जाए वो कानून बन जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी मतलब लोकसभा में अगर मिनिमम 272 सीट मिले, वो 72 जन का समर्थन मिले, राज्यसभा में 245 चुने हुए लोग हैं तो मेजॉरिटी वहां पे कितने हैं, 123, 123, तो मिनिमम 123 लोग, हाफ 51% लोग वोट दे देंगे तो वो कानून बन जाएगा। लेकिन अमेंडमेंट करने के लिए दोनों हाउस में कम से कम दो तिहाई लोगों का समर्थन चाहिए अगर कोई अमेंडमेंट करना हो। अच्छा, इसके अलावा देखो, लोकसभा जो है वो चुनावी कामकाज भी करता है। कैसे? वो लोकसभा क्या करता है, लोकसभा अपने जो स्पीकर है उसको चुनते हैं, और जब भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति मतलब भारत के प्रेसिडेंट
और भारत के वाइस प्रेसिडेंट की जब चुनाव होती है तो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स उसमें अपने वोट डालते हैं। तो इस तरह से लोकसभा और राज्यसभा यानी कि हमारे पार्लियामेंट का इलेक्टिव फंक्शन, इलेक्शन में भी उन लोग हिस्सा लेता है। तो देखो अब तक हम लोग एक चीज की बात करते आए हैं, बिल एंड लॉ। तो अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कोई भी बिल, किस तरह से कोई भी बिल लॉ में तब्दील होता है, हाउ अ बिल चेंजेस इनटू अ लॉ, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा नाउ सी, ये वीडियो इतना तक रहने दो, आई विल कंटिन्यू द, आई विल एंड द चैप्टर, आई विल डू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।